तो हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पहले क्या है मेटल एक नंबर, फिर क्या है आपका कोक, फिर क्या है आपका फ्लक्स। अपन ने पढ़ा था पहले मेटल, फिर फ्लक्स और फिर कोक, यही सीक्वेंस थी ना अपनी। तो इनको अपन क्या करते हैं, ये वीडियो में जो मैंने आपको दिया था उसमें से लिया गया है, जो मैंने बताया था ये वो वाला है। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पर देखें तो हम ये पाते हैं कि क्यूपुला फर्नेस में एक फ्यूल ईंधन के रूप में आपका कोक, जिसको पिघलाना है वो मेटल, और तीसरे नंबर पर होता है आपका फ्लक्स, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि आप जो भी अशुद्धियां हो उन अशुद्धियों को वो स्लैग के रूप में बना करके और यहां से निकाल सके। तो अभी आपको पीडीएफ दिखने लगी, सबको पीडीएफ दिख रही है आकाश? यस। तो अब हम यहां पर देखेंगे, हमने उसको कंटिन्यू कर रहे हैं लास्ट क्लास को ही, कि ये हमारा पहले स्टील कॉलम था जो कि हमने 6 से 12 mm थिक स्टील सेल से बनाया है घुमा करके गोल। इसके अंदर हमने ब्रिक लगाई हुई है रिफ्रेक्टरी मटेरियल, जिससे कि वो अधिक तापमान को सहन कर सके 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड को। इसके अंदर यहाँ पर हमने एक सिगड़ी में जैसी जाली होती है वैसी होती है, इसके ऊपर सबसे पहले लगाया काय का कोक का, फिर काय का फ्लक्स का, फिर काय का मेटल का। इस तरीके से हमने 3 लेयर इसमें बनाई हुई है। इनको बनाने के लिए हम ऊपर से बेल्ट थ्रो यहाँ नीचे डालते हैं, नीचे से हम आग लगाते हैं और यहाँ से हम विंड बॉक्स में से एयर को देते हैं। ये विंड बॉक्स दो तरफ होते हैं साइड में, लेकिन बाकी चारों तरफ छोटे छोटे होल होते हैं जिनको अपन बोलते हैं ट्यूअर्स, TUYERS, ट्यूअर्स। ट्यूअर्स के थ्रू भी अपन एयर देते हैं, क्योंकि जलाने में जो जलने में सहायक है वो एयर ऊपर आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि जब हम यहाँ से जलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कोक जो है वो जलेगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो मेटल है वो पिघल कर कहाँ आएगा, नीचे। ये जो सैंड बना है अपना, सैंड का अपना बेड बना हुआ है बॉटम, यहाँ पर क्या होगा, ये टेपर्ड है, आप देखेंगे टेपर्ड बना हुआ है, तो मतलब पूरा मेटल आएगा और ये टेपिंग होल की तरफ आ जाएगा, यहाँ से अपन पिघले मेटल को निकाल सकते। तो ये इसका फिगर है, इसके फिगर के बारे में। अब इसमें क्या होगा कि जब हम कोयले को जलाएंगे तो जलाने के बाद यहाँ से चिमनी से धुआं निकलता है, उसके साथ साथ कुछ चिंगारियां निकलती है। तो यहाँ पर आपने हर चिमनी के ऊपर देखा होगा ऐसा ये स्टैक अरेस्टर लगाते हैं, जिससे कि वो चिमनी की जो स्पार्क है वो बाहर ना जाए और नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। जब हमारी भट्टी में से हम सारा पिघला हुआ मेटल निकाल लेंगे तो नीचे से यहाँ से इस गेट को कुछ हम इस तरीके से खोल देंगे। इस तरीके से खोलने से क्या होगा कि ये पूरा का पूरा खाली हो जाएगा और इसका फिर से गेट बंद करेंगे, सेंट का वेट बनाएंगे, यहाँ पर आप ठीक करेंगे और फिर कुछ फिल करेंगे और फिर ये करेंगे। लेकिन इसकी खासियत है कि ये 1 टन मतलब यानी कि बहुत लंबे समय तक आपको पिघला हुआ मेटल देती है एक साथ, और सबसे सस्ती ऑपरेटिंग कास्ट, इसकी लागत जो है वो बहुत कम है दूसरी फर्नेस की तुलना में, और ये ऑपरेट करना आसान। इसकी 3 खासियतें हैं जो कि ये पुराने जमाने से ही इसका उपयोग होता रहा है। आजकल तो इंडक्शन भी है फर्नेस जो आपके सिलेबस में, वो भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखें इस पूरे क्यूपुला फर्नेस में कि आपको इसका चित्र बनाते हुए आना चाहिए। ये पूरा पूरा 9 नंबर या 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है, ये वाला चित्र आप बना पाएंगे? से यस, चित्र बना पाएंगे सभी लोग, बना लेंगे? यस, गुड। चित्र में ये चीज समझ में आ रही है आपकी, 3-3 बेड बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जोन की, इसको हम बोलते हैं वेल या हर्थ या कुआ, जहां पर की पिघली हुई मेटल रहती है, मतलब ट्यूअर्स के नीचे वाला हिस्सा जो है वो क्या है, कुआ, जिसमें की मेटल पिघल करके आती है। इसके ऊपर होता है हमारा मेल्टिंग जोन, मेल्टिंग जोन है, रिड्यूस हीटिंग जोन, मतलब यहाँ पर कंबशन जोन है जहां पर के आग लगती है, अपन जलाते हैं कोक को, इसके ऊपर है रिड्यूसिंग जोन है, और ऊपर मेल्टिंग, मतलब 3 नंबर की जो आपकी मेटल है वो पिघल रही है और पिघल करके इसके फ्लक्स के ऊपर से आती है, अशुद्धियां ऊपर रह जाती है और ये नीचे आ जाती है, फिर ऊपर वाली लेयर आती है, फिर उसके ऊपर वाली लेयर आती है, यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती है। अब इसमें जोन पे ध्यान दें कि सबसे पहले अपना वेल है, इसमें के पिघली हुई मेटल है, इसके ऊपर आएगा आपका कम्बस्टिबल, कम्बिशल मतलब ज्वलनशील, जिसमें की कोक है, मतलब ये जो आपके ट्यूअर्स बने हैं इसके ऊपर वाला, ट्यूअर्स जिनमें से एयर जाती है उसके ऊपर वाला, तो यहाँ पर ये कम्बस्टिबल जोन है, इसके ऊपर रिड्यूस्ड हीट जोन है, फिर आपका मेल्टिंग जोन, मेल्टिंग जोन उसको कहते हैं जहां मेटल होती है जो पिघलती है, इसके बाद ऊपर की दोनों लेयर कहलाती है आपकी प्री हीटिंग जोन, मतलब यहां से अब जो आग लगेगी
उससे जो ऊपर की ओर धुआं निकलेगा वो ऊपर की लेयर को क्या करेगा, प्रीहीट करेगा, जिससे बाद में फिर वो नीचे आते जाएंगे, ये पिघल जाएगा तो दूसरी आएगी, फिर तीसरी वाली आएगी और आखिरी में स्टेक जोन कहलाता है, जिससे कि हमारा चिमनी का धुआं जो है, स्पार्क जो है, वो बाहर निकल जाते हैं। तो यदि हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें, हमने क्यूपुला फर्नेस देखा, हमने इसका चित्र देखा, अब हम इसके डिस्क्रिप्शन पे बात करें तो डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर है। अभी तक अपन ने जो देखा है उसी के बारे में बात करूंगा, वही इसमें लिखा हुआ है, उसी को अपन पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे क्या लिखा है कि इसमें जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वर्टिकल सिलेंड्रिकल सेल है, 612 mm थिक है, दिख रहा है ना ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है चित्र के अलावा, से यस यस। तो आप ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप डरे ना इंग्लिश से, लेकिन ये समझ में आया कि स्टील की सीट है 6 से 12 mm की, जिसमें लाइनिंग की गई किसकी, ब्रिक्स की, सिलिका ऑक्साइड और एल्यूमिनियम आइसोट्रीज, जिससे कि हमें हाई टेम्परेचर वहां पर वो हमें ले सके। इसमें बॉटम ऑफ सेल में अपन ने क्या किया, ड्रॉप बॉटम डोर है, जिसमें अपन कोक है, स्लेग एटसेट्रा, उसको अपन मेल्टिंग के बाद निकाल सकते हैं। तो ये अभी जो मैंने बोला है वही लिखा है, आप इसको चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें इसके आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि अब जो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर जो जोन बने हुए हैं, उन जोन के बारे में बात करें, जो हमने जोन के बारे में डिस्कस किया है कि सबसे नीचे कौन सा जोन था, आप बताएंगे कौन सा वाला था सबसे नीचे, बेल जोन, हार्थ या क्रूसिबल जोन। नीचे से चल रहे हैं अपन ऊपर की ओर, तो सबसे पहले था क्रूसिबल जोन, जो सेंट बनी है और जो ट्यूबर्स जिनमें से अपन एयर देते हैं उसके बीच के हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, क्रूसिबल जोन, और इसमें पिघली हुई मेटल होती है। इसके बाद इसके ऊपर जो आता है, जहां पर अपना कोयले कोक को जलाया जाता है, उसको अपन कंबस्शन या ऑक्सीडाइजिंग जोन कहते हैं। ये 150 से 300 mm ऊपर होता है, जो ट्यूर्स बने होते हैं गोल गोल उनके ऊपर। इसका टेम्परेचर जो होता है 1550 से 1850 के बीच होता है। इसमें होता क्या है इसके बारे में अगर अपन देखें, इसमें क्या होता है कि जो कोक का कार्बन है वो ऑक्सीजन नीचे से जो आ रही है उसके साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। लाइकवाइज जो सिलिका है वो सिलिका ऑक्साइड है, हीट बनाती है। मैग्नीज है वो ऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं और हीट। तो मतलब ओवरऑल बात ही हुई कि कंबस्शन जोन में आपको हर एक जो भी उनके ऑक्साइड्स और क्या मिल रही है, हीट। यही हीट जो है ऊपर की ओर जाती है, जहां पर कि अपना रिड्यूसिंग जोन है। रिड्यूसिंग जोन में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड अब ऊपर की ओर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर की ओर आ रही है वो वहां पर अब उसको कार्बन मिलेगा तो वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी, तो इसका टेम्परेचर इसलिए कम हो जाता है, वो हो जाता है 1200 डिग्री। इसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर हमारी मेटल है, आयरन है। इस आयरन में आप देखेंगे, आयरन में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मिलकर के Fe3C बनाते हैं, यानी मेटल बन जाता है हमारा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसका टेम्परेचर जो है 1600 डिग्री होता है। आखिरी में इसके ऊपर हम चलेंगे, जहां पर हमारी दो लेयर्स और हैं, उन दो लेयर्स में आप देखेंगे प्री हीटिंग या चार्जिंग जोन है। प्री हीटिंग या चार्जिंग जोन यानी कि नीचे से गर्म करके जो भी गैसेस ऊपर की ओर आ रही हैं, वो अब हमारी ऊपर की दोनों लेयर्स को प्रीहीट कर रही है और ये ऊपर चार्जिंग डोर तक चलता है। इसके बाद इसमें जो रहती है डिफरेंट लेयर, पहले कोक, फिर फ्लक्स और उसके बाद मेटल। इसका टेम्परेचर जो रहता है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये प्रीहीट करता है, जिससे कि जब ये नीचे की ओर आए, आपके मेल्टिंग जोन में आए, तो इसको हम 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करके मेल्ट कर सकें। और सबसे टॉप वाला जोन है वो स्टेक जोन है, जिसमें कि हमने देखा है आपने कि जो भी अपना स्मोक निकलता है या स्पार्क निकलती है वो निकल करके बाहर जाती है। तो आज की हमारी क्लास में हमने ये देखा कि जो हमारी क्लास थी उसमें इंग्लिश में नोट्स है, मैंने हिंदी में समझा दिया है आपको कि खास चीज हमारी जो है वो ये हमारी फर्नेस है। और इस फर्नेस में हमने देख लिया है इम्पोर्टेंट चीज जो आप समझ सकते हैं कि स्टील में लाइनिंग यूज की गई है। लाइनिंग के बाद यदि हम चले तो इसमें हम चित्र की ओर देखेंगे। चित्र हमको अवश्य बनाना है, क्योंकि चित्र के बनाने से ही हमको जो है यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप लिखने में किसी भी भाषा में लिखेंगे लेकिन वेल्यूअर यदि चित्र देख लेगा तो वो समझ जाएगा कि आपको जो है क्यूपुला फर्नेस का नॉलेज है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर इस चित्र को बनाए। इस चित्र को बनाने में किसी को मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आसानी से अपन ने देख लिया है कि चित्र बनाएंगे हम
इसमें लेयर्स बनाएंगे एक दो तीन, नीचे बेड बनाएंगे, यहाँ पर टीयर्स, टीयर्स मतलब ये छोटे छोटे गोल गोल जो बने हुए हैं वो विंडवार्स जिसमें से एयर जाएगी, तीन लेयर रहेंगी, तीन बार रहेंगी, फिर चार्जिंग डोर रहेगा। इस तरफ हम यहाँ पर पांच जोन बनाएंगे, बताएंगे कि वेल है आपका, मेल्टिंग जोन है, फिर रिड्यूसिंग जोन है, इसके बाद प्री हीटिंग जोन है। तो इस तरीके से आप ये चित्र बना करके और इसके बारे में वर्णन लिख करके नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के आज हमने जो क्लास में यहाँ पर देखा है, यदि हम इसकी बात करें कि हमने आज क्लास में क्या क्या देखा है, तो इस क्लास के बारे में हम हमारे लेसन प्लान पर फिर से आते हैं। लेसन प्लान में हमने बताया था कि आज हम देखेंगे सबसे पहले कि क्यूपला फर्नेस की प्रस्तावना क्या है। इसकी प्रस्तावना क्या है कि क्यूपला फर्नेस जो है काफी पुराना तरीका है, इसमें हमको सतत रूप से पिघला हुआ मेटल मिलता है, उसकी ऑपरेटिंग कास्ट कम होती है और बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, मतलब वॉल्यूम बल्क में आपको मिलता है। इस कारण से हमने एक एग्जांपल के लिए देखा था कि एक टन बनाना हो हमें तो उसमें से हमें एक टन मेटल में से 0.98 टन तक अपने को पिघला हुआ मेटल मिलता है। इनलेट में यदि हम क्यूपला फर्नेस की बात करें तो इसका हमने सचित्र वर्णन के द्वारा बताया है, हमने फिगर बनाया है, हमने चार्जिंग से तीन लेयर बनाई है, पहले कोक, इसके बाद फ्लक्स, इसके बाद मेटल। कोक जलाने के लिए, फ्लक्स अशुद्धियों को इकट्ठा करने के लिए और मेटल को पिघलाने के लिए। तो यहां पर जब हम आकर के बाहर आते हैं तो ये हमने चित्र देखा है। अब इसके विभिन्न जोन के बारे में हम बात करें, विभिन्न जोन है, यहाँ पर जोन नहीं लिखना छूट गया था लगता है, विभिन्न जोन जो है उसकी बात करें हम, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ विभिन्न जोन। तो जोन में आपने देखा है, हम नीचे से शुरू करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर पता है कि सबसे नीचे जो है वो सबसे पहले कौन सा होता है, फर्नेस का कोल या हर्थ, या इसको क्या बोलते हैं अपन, बेल, कुआ, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पर देखेंगे उसमें पिघली हुई मेटल होती है, उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो वहां पर हमको मिलता है कंबस्टन, कंबस्टिबल जोन, जहां पर की कोक को जलाया जाता है, इसके बाद उसमें एयर आती है, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। फिर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो रिड्यूस्ड हीट जोन आता है 1100 डिग्री, और उसके बाद फिर हम और ऊपर जाते हैं तो ऊपर जोन जाने पर हमको मिलता है पिघली हुई मेटल, जहां पर की टेम्परेचर हमारा रहता है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड या 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर कि हमें पता है, हमने पढ़ा है कि आयरन जो है वो 1680 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। तो यहाँ पर हम उसको पिघला लेते हैं। तो तीन जोन यहाँ पर हो गए, सबसे पहले कौन सा वाला होगा आपका, बेल, उसके ऊपर आप देखें कंबस्टिबल, यहाँ पर जलना होता है, उसके बाद रिड्यूसिबल कंबस्टन, इसके बाद फिर मेल्टिंग, और बाकी के दो जो ऊपर है वो जोन प्री हीटिंग, मतलब जो हमने 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पिघलाया, इसके बाद भी जो उसमें गैसेस निकल रही है, फ्लेम्स निकल रही है, उसमें बहुत टेम्परेचर है, लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक जब जाती है तब रहता है, तो उसका उपयोग हम करते हैं कि जो ऊपर की लेयर्स हैं उनको हम प्रीहीट कर सके। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो भी आपके स्पार्क है या फ्लेम्स है वो सारी की सारी ऊपर के जोन से निकल जाती है। तो इस तरीके से जो तीन क्वेश्चन मैंने दिए थे यही हमारे स्टडी के थे, क्यूपला भट्टी की प्रस्तावना, भट्टी का सचित्र वर्णन और यहाँ पर भट्टी के विभिन्न जोन। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, नीट स्केच, क्यूपला फर्नेस के और इसके विभिन्न जोन। कल हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे 1:30 बजे से। अब हमको ये करना है कि क्यूपला फर्नेस काम कैसे करती है, ऑपरेशन ऑफ क्यूपला फर्नेस। तो मैं आज आपको इससे संबंधित वीडियो भेजूंगा और पेज नंबर भेजूंगा, तो आपके पास भले ही स्टडी मटेरियल ना हो आप उसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद फिर हम कल 1:30 बजे यहाँ पर फिर मिलेंगे।